कि हरियाणा में आज 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कार्यक्रम आपने हरियाणा को दिया, मैं इसके लिए भारत सरकार का आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये 5000 युवा साथी देश भर के सब प्रांतों से यहाँ आए हैं। ये युवा, इनके दिलों की धड़कन, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है, स्वामी विवेकानंद जी इनके दिलों की धड़कन, वो भी नरेंद्र थे, आप भी नरेंद्र हैं, आप भी उनकी युवाओं के धड़कन हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन राष्ट्र के युवाओं को आप संबोधित करें, आपका बहुत बहुत आभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान विजय गोयल जी, मंचस्थ अन्य सभी गणमान्य अतिथि और मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, आप सभी को 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। समय की कमी की वजह से मैं रोहतक में आप सबके बीच नहीं हूं, लेकिन मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं उसे लग रहा है कि जैसे आज ये महोत्सव भी 21 वर्ष का युवा हो गया है। देश के अलग अलग कोने से आए मेरे नौजवान साथियों के चेहरे पर इतनी ऊर्जा दिखाई दे रही है जैसे आज रोहतक में युवा महोत्सव के साथ ही प्रकाश महोत्सव भी मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती में आप सभी के माध्यम से देश के हर नौजवान को इस विशेष दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद इस बात का सबसे उत्तम उदाहरण है कि अल्प अवधि में भी कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। उनका जीवन बहुत कम समय का था। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के असीम प्रेरक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हमारे देश को इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियां और मजबूत स्नायु होने वाले शरीरों की, आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न युवाओं की। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं का निर्माण करना चाहते थे जिनमें बिना भेदभाव के एक दूसरे के प्रति प्रेम व विश्वास हो। युवा वह होता है जो बिना अतीत की चिंता किए अपने भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। आप सभी युवा जो काम आज करते हैं वही तो कल जाकर देश का भविष्य बन जाता है। साथियों, आज देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की आयु इस समय 35 वर्ष से भी कम है। स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलते हुए आज भारत में एक ऐसे युग की शुरुआत करने की क्षमता है जो विश्व गुरु बन सकता है। आज मेरे जो नौजवान साथी
इस वक्त रोहतक में है, उनके लिए हरियाणा की ये धरती भी बहुत प्रेरणादायी है। हरियाणा की ये धरती वेदों की है, उपनिषदों की है, गीता की है, ये वीरों की है, ये कर्म वीरों की है, जय जवान जय किसान की धरती है, ये सरस्वती की पावन धारा है। अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को सहेज कर आगे बढ़ने का लगातार प्रयास इस धरती से सीखा जा सकता है। मुझे खुशी है कि इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम है यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। इस महोत्सव के माध्यम से युवाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल तरीके से लेन देन की ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरी उस महोत्सव से कि मैं ट्रेनिंग लेने वाले हर युवा से अपील है कि जब वो यहां से ट्रेनिंग लेकर जाएं, तो अपने आसपास से कम 10 परिवारों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करना सिखाएं, लेस कैश, कम नगद वाली अर्थव्यवस्था बनाने में आप सभी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश की बर्बादी का कारण काला धन है, भ्रष्टाचार है। अगर इसे मुक्त कराने की लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो आप नौजवान बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभांकर बेटी के रूप में चुना गया है। मारी लाड़ो इस महोत्सव के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हरियाणा से ही केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का इस क्षेत्र में बड़ा असर दिख रहा है, बदलाव की शुरुआत हुई है, सेक्स रेशियो में काफी बदलाव आया है। पूरे देश के लिए ये बदलाव प्रेरक रहा है। मैं हरियाणा के लोगों को इसके लिए खास तौर पर बधाई देता हूं और ये बात इस बात को दर्शाता है कि जब लोग ठान लेते हैं, जनता जनार्दन संकल्प कर लेती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण परिस्थिति हरियाणा निर्माण करके दिखाएगा। हरियाणा के भविष्य को संवारने में यहां का युवा वर्ग एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के युवा खिलाड़ियों ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल कर सदा सर्वदा पूरे देश का मान बढ़ाया है। पूरे देश में विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए युवा शक्ति के और अधिक योगदान की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य अपने युवकों को इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए क्षमता एवं कौशल प्रदान करना है। नौजवानों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव आप सभी को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करता है। अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश से आए हुए आप सभी नौजवानों को यहां एक दूसरे को जानने को समझने का मौका मिलेगा और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का वास्तविक अर्थ है। अभी थोड़ी देर पहले ही युवा महोत्सव में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक दलों का मार्चपास्ट देखा गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक प्रयास है देश की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में परोने का। हमारे देश में भाषाएं भले अलग अलग हो, खान पान अलग अलग हो, रहने के तौर तरीके अलग अलग हो,
रीति रिवाज अलग अलग हो, लेकिन आत्मा एक ही है और उस आत्मा का नाम है भारतीयता, जिस भारतीयता के लिए मैं और आप हम सब गर्व करते हैं। एक राज्य के नौजवान दूसरे राज्य के युवाओं से मिलेंगे तो उन्हें भी नया अनुभव होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। लोग जब साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं तो समझ आता है कि खान पान और भाषाई अंतर सतही है। गहराई से देखें तो स्पष्ट होता है कि हमारे मूल्य, हमारी मानवता, हमारा दर्शन एक जैसा ही है। नौजवानों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दो अलग अलग राज्यों में एक साल के लिए पार्टनरशिप की योजना बनाई गई है। मुझे खुशी है इस वर्ष हरियाणा ने तेलंगाना के साथ अपनी पार्टनरशिप की है। दोनों राज्यों में किन विषयों पर परस्पर सहयोग होगा इसके लिए एक्शन पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हरियाणा में तेलंगाना से आए छात्रों को विशेष रूप से बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, इसे एक जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है और यह तभी कामयाब होगा जब देश के युवाओं का भरपूर साथ मिलेगा। मेरे नौजवान साथियों, इस वक्त देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शताब्दी मना रहा है। देश के नौजवानों के लिए पंडित जी का मंत्र था चरैवेति चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलते जाना है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज देश के नौजवानों को 3 C's पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं सुझाव देता हूं। मैं जब 3 C's की बात करता हूं तब मेरा मतलब है पहला सी कनेक्टिविटी, दूसरा सी कनेक्टिविटी और तीसरा सी क्रिएटिविटी। कलेक्टिविटी, सामूहिकता, जब तक कि हम संगठित शक्ति नहीं बनते हैं, हम भेदभावों को मिटा करके एक भारतीय रूप में एकरस नहीं होते हैं। कलेक्टिव ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। दूसरी बात है कनेक्टिविटी। युग बदल चुका है, टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को बहुत छोटा बना दिया है। पूरा विश्व आपकी हथेली में, आपके मोबाइल फोन में होता है। कनेक्टिविटी समय की मांग है। हम कनेक्टिविटी की दृष्टि से टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे मानवीय मूल्यों को भी बल देते चलेंगे। और तीसरा सी मैंने कहा क्रिएटिविटी, यानी नए विचार, नए इनोवेशन, पुरानी समस्याओं के समाधान करने के लिए नए तरीके। और यही तो युवा मन से अपेक्षा रहती है। जिस पर क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, इनोवेशन खत्म हो जाता है, नयापन अटक जाता है, एक प्रकार से जिंदगी ठहर जाती है। और इसलिए हमारे भीतर क्रिएटिविटी को जितना अवसर दे हमें देते रहना चाहिए। और इसलिए एक दूसरे से संपर्क करिए, सामूहिक जिम्मेदारी निभाना सीखिए और नए विचारों पर काम करिए। अपने नए विचारों को ये सोचकर समाप्त मत होने दीजिए कि ये तो बहुत छोटे हैं या फिर दूसरे लोग क्या कहेंगे। याद रखिए कि दुनिया में ज्यादातर बड़े और नए विचारों को पहले खारिज ही किया गया है। जो भी मौजूदा सिस्टम होता है वो नए विचारों का विरोध करता ही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे देश की युवा शक्ति के आगे ऐसा हर विरोध ठंडा पड़ जाएगा। साथियों, आज से 50 से भी ज्यादा वर्ष पूर्व एकात्म मानववाद पर बोलते हुए
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था उसमें भी देश के युवाओं के लिए बड़ा संदेश है। दीनदयाल जी ने राष्ट्र निर्माण और देश में मौजूदा बुराइयों से लड़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था हमें अनेक रूढ़ियां खत्म करनी होगी, बहुत से सुधार करने होंगे जो हमारे मानव का विकास और राष्ट्र की एकात्मता की वृद्धि में पोषक हो, वह हम करेंगे और जो बाधक हो उसे हटाएंगे। ईश्वर ने जैसा शरीर दिया है उसमें मिनमेह निकालकर अथवा आत्मग्लानी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, पर शरीर में फोड़ा होने पर उसका ऑपरेशन तो आवश्यक है। सजीव और स्वस्थ अंगों को काटने की जरूरत नहीं है। आज यदि समाज में छुआछूत और भेदभाव घर कर गए हैं तो जिसके कारण लोग मानव को मानव समझकर नहीं चलते और जो राष्ट्र की एकता के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, हम उनको खत्म करेंगे। पंडित जी का यह आह्वान आज भी उतनी ही अहमियत रखता है। आज भी देश में छुआछूत, ऊंच नीच, भ्रष्टाचार, कालाधन, अशिक्षा, कुपोषण, अंधश्रद्धा, इन सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए देश के युवा को अपनी शक्ति झोंकनी होगी। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को जितना समर्थन मेरे नौजवान दोस्तों ने दिया है वो इस बात का सबूत है कि समाज में व्याप्त बुराई को मिटाने के आप सभी में कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति है। इसलिए जब मैं कहता हूं मेरा देश बदल रहा है तो उसके पीछे आपके प्रयास होते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लाखों नौजवान अपनी अपनी तरह से सामाजिक कुरीतियां और चुनौतियों से लड़ रहे हैं। यही नहीं, वो ऐसे ऐसे नए विचार सामने ला रहे हैं कि मैं उन्हें नमन किए बिना नहीं रह पाता। अभी कुछ दिन पहले मन की बात में मैंने एक बिटिया का जिक्र किया था जिसने आइडिया दिया कि शादी में मेहमानों को गिफ्ट के तौर पर आम के पेड़ दिए जाएंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए कितना अद्भुत तरीका है। इसी तरह एक इलाके में लोग कूड़े के डिब्बों की कमी से बहुत परेशान थे, ऐसे में वहां के नौजवानों ने मिलकर कूड़े के डिब्बों को एडवर्टाइजिंग के साथ जोड़ दिया। अब वहां की सड़कों पर आपको हर जगह कूड़े के डिब्बे नजर आएंगे जिन पर विज्ञापन भी होगा। अब वहां कूड़े के डिब्बों को डस्टबिन नहीं एडबिन बोलते हैं, नया शब्द दिया डस्टबिन से एडबिन। ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने पिछले महीने रिले फॉर्मेट में सिर्फ 10 दिन में लगभग 6000 किलोमीटर साइकिल चलाकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल चैलेंज को पूरा किया है। इनका सूत्र वाक्य बहुत ही प्रेरक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका सूत्र वाक्य है फॉलो द रूल्स एंड इंडिया विल रूल। हमारे देश में ऊर्जा से भरे हुए ऐसे नौजवान हर कोने में उपस्थित है। कोई पहाड़ों से निकलने वाले छोटे झरनों से बिजली बना रहा है, कोई कूड़े से घर निर्माण की चीजें बना रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर दराज वाले इलाकों में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा रहा है, कोई सूखा ग्रस्त इलाके में किसानों के लिए पानी बचाने के लिए संसाधन जुटा रहा है। ऐसे लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे हर ऊर्जावान युवा के लिए मैं स्वामी विवेकानंद जी का संदेश फिर दोहराना चाहूंगा, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती रुको मत। उठो का मतलब है शरीर को चैतन्यमय करो, शरीर को ऊर्जावान बनाओ, शरीर को फिट रखो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग उठ तो जाते हैं लेकिन जागरूक नहीं होते, इस वजह से वो स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाते। इसलिए उठने के साथ ही जागरूक होना भी आवश्यक है।
जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो रुको मत। मैं इस बात में भी बड़ा संदेश है, पहले तो स्पष्ट ध्येय का होना ही बहुत आवश्यक है। जब यही नहीं तय होगा कि जाना कहां है तो फिर ये कैसे तय हो पाएगा कि किस दिशा की ओर जाने वाली गाड़ी में बैठना है। इसलिए जब तक लक्ष्य तय हो जाए तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए बिना रुके बिना थुके प्रयास करते रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे सामने आप सब देश की बौद्धिक ताकत के तौर पर मौजूद है। आज आवश्यकता है युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक कार्य में लगाने की। आज आवश्यकता है युवाओं को दिग्भ्रमित होने से बचाने की। आज आवश्यकता है युवाओं को नशे और अपराध से दूर रखने की। आप चिंता में मंथन करके नई राह बनाए, नई मंजिलें हासिल करें, आपके सामने संभावनाओं का खुला आकाश है। आज आवश्यकता है कि युवा सेवा की बेजोड़ मिसाल बने, उनके चरित्र में ईमानदारी व निष्पक्षता हो, हर चुनौती को सामना करने का जज्बा हो, उन्हें अपनी गौरवशाली विरासत पर गर्व हो, उनका आचरण एवं चरित्र नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि लक्ष्य पाना जितना मुश्किल है उतना ही आसान लक्ष्य से भटकना होता है। सुखी संपन्न जीवन की आकांक्षा रखना सही है, लेकिन इसी के साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी को भी समझना आवश्यक है। मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 चुनौतियों के बारे में बताता हूं जिनसे निपटना बहुत जरूरी है। 1, समाज के प्रति अज्ञान। 2, समाज के प्रति असंवेदना। 3, समाज के प्रति घिसी पिटी सोच। 4, जाति समुदाय के विचार से ऊपर उठने की अक्षमता। 5, माताओं बहनों बेटियों से दुर्व्यवहार। 6, पर्यावरण के प्रति लापरवाही गैर जिम्मेदार दृष्टिकोण। इन 6 चुनौतियों को आज के नौजवानों को ध्यान में रखना होगा, उन्हें परास्त करने का प्रयास करना होगा। आप जहां भी रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, वहां इन चुनौतियों के बारे में अवश्य सोचें, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। आप सभी युवा टैक्स से भी है, आप सभी युवाओं को यह संदेश जन जन तक पहुंचाना है कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे आ सकता है। आप सभी युवा उन लोगों के जीवन को छूने का प्रयास करें जो वंचित है शोषित है, दूसरों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप सभी युवाओं को अपनी ऊर्जा और समय देना है। युवाओं की ताकत, युवाओं की ऊर्जा और युवाओं का जज्बा बदलाव लाने में और भी अधिक कारगर होता है। अब करोड़ों युवा आवाजों को इस देश की आवाज बनकर विकास के कामों को आगे बढ़ा रहा है, मदद कर रहा है। मेरे साथियों, आप सभी नए क्षितिज को छुएं, विकास का नया विजन तैयार करें, नई उपलब्धियां हासिल करें, इसी शुभकामना के साथ आपको राष्ट्रीय युवा दिवस और महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और स्वामी विवेकानंद जी का पुण्य स्मरण करते हुए, हमारे भीतर की युवा ऊर्जा को लेते हुए, समाज के राष्ट्र के परिवार के गांव के गरीब के किसान के भलाई के लिए अपनी जिंदगी का कुछ न कुछ समय उनके लिए खपाने का संकल्प करेंगे, देखिए जीवन में कुछ करने का जो संतोष मिलेगा, उस संतोष की जो ताकत होगी, वो संतोष स्वयं में एक ऊर्जा का रूप धारण कर लेगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामना है। देश के कोने कोने के आए हुए नौजवान एक प्रकार से लघु भारत मेरे सामने है। ये लघु भारत नई प्रेरणा नया उत्साह लेकर के गीता का, ये गीता की भूमि है जो कर्म का संदेश देती है, निष्काम कर्म योग का संदेश देती है, उसी को लेकर के आप चले। इसी एक अभ्यर्थना के साथ मेरी इस युवा महोत्सव को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
प्रधानमंत्री जी, आज मुझे पता है कि आपका समय इतना व्यस्त है, उस व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए इतनी दूर से इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको मार्गदर्शन दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि युवाओं को जो संदेश आपने दिया है, हम भी प्रेरणा उनको देंगे कि वो इस काम के खरा उतरे। खास करके कैशलेस की ट्रेनिंग में हम यहाँ प्रोग्राम करने वाले हैं, इस ट्रेनिंग के अंदर वो सहभागी बनेंगे और निश्चित रूप से लक्ष्य को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवेश जी ने एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही प्रेरक क्षण हम सब के लिए, जब प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच हम सबको प्रेरित किया, संबोधित किया। निवेदन आप सबसे ये जरूर करेंगे कि अभी आप बैठे अपनी जगह पर, क्योंकि बहुत ही आकर्षक कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बहुत अच्छे कोरियोग्राफर्स ने आपके लिए खास आज के लिए तैयार की है। लेकिन उससे पहले उन खिलाड़ियों को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है।